अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। 100 डायल करने पर पुलिस ने एक हामिला खातून को दवाखाना मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक गौस नगर के रहने वाली हामिला खातून आरिफा बेगम को अचानक से दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद आरिफा बेगम के घर वाले 100 डायल किए, जिसके बाद फोन करने के 5 मिनट के अंदर ही चंदनगुट्टा पुलिस की पेट्रोलिंग कार आरिफा बेगम के घर जा पहुंची और आरिफा बेगम को पेट्रोलिंग कार में डालकर गवर्नमेंट मलकपेट मैटरनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस मौके पर उनके काम आने के लिए हामिला खातून के घर वालों ने चंदनगुट्टा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना पुलिस काबिले तारीफ है, जिस पर फोन करते ही पुलिस कंप्लेनेंट के पास 5 मिनट में ही पहुंच जाती है। वहीं 108 के ताल्लुक से आवाम कई सारे शिकायत कर रही है कि 108 डायल करने के बाद उन्हें एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी संतोष नगर पुलिस ने एक हामिला खातून को पेट्रोलिंग कार में जज्जी खाना मुंतकिल किया था, क्योंकि हामिला खातून के घर वाले 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं आई थी। 108 की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर आवाम सीधा 100 डायल करके पुलिस की मदद ले रही है। कल भी एक ऐसा ही मेडिकल इमरजेंसी होने पर लाइन बाजार पुलिस ने एक पेशेंट को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हुकूमत को चाहिए कि 108 की सेवा मजीद और सुधार करे ताकि इमरजेंसी में लोगों की जान बच सके। जहां पर पुलिस लॉकडाउन के खिलाफ वर्दी करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखा रही है, वहीं पर सच में मेडिकल इमरजेंसी है तो वो लोगों की मदद कर रही है। अगर आपके पास भी मेडिकल इमरजेंसी है और 108 की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप भी 100 डायल करें। आइए देखते हैं हमारे एशियन टीवी न्यूज़ की ये रिपोर्ट।